इनका आरोप है कि डॉक्टर ने मनमानी रूप से कुछ कागज अपने पास रख लिया है, जिस कारण काफ़ी लंबे समय से ये परेशान हैं, इनकी पॉलिसी क्लेम नहीं हो पा रही है और पैसा इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इनको पैसा जितना था हमको एक रुपया बकाया नहीं रखे हैं, पूरा पेमेंट किए हैं इसको। कितना का पेमेंट था ये? 463,753 रुपये का। ये समझ में आया कि कागज़ क्यों नहीं दे रहे हैं वो? ये तो हमको पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, नहीं पता नहीं। वो बोलते हैं तुमको जो करना है कर लो, हम तुमको दे नहीं सकते। झारखंड की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था आप सभी से छुपा नहीं है। ऐसे में जब लोग बीमार होते हैं उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख अपनाना होता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में पैसा पानी की तरह बहता है, जिसके बाद भी कई अस्पतालों के कई डॉक्टर्स की धांधली के चक्कर में ऐसे जो लोग हैं वो परेशान होते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारे साथ जगेश्वर महतो हैं, अब इनकी कुछ समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। कहां से आए हैं और विष्णुगढ़ से क्या मामला हो गया? मेरा बेटा का तबीयत खराब था ब्रांड का, हाँ। तो हमने 26 मई को एडमिट किया, 29 मई को एडमिट किए और 26 जून को हमको डिस्चार्ज मिला। ये दरमियान हम हेल्थ पॉलिसी किए थे आदित्य बिरला से, उसके बाद वहाँ गए हम, इसका पूरा पेपर जाके जमा किए, फिर वहाँ से बोला नहीं तुम वहाँ से लिखा के ले आओ लेटर हेड में, फिर यहाँ से लिखा के ले गए तो बोला फिर नहीं इंडोर केस चाहिए, इंडोर पेपर जो होता है वो दीजिए। तो डॉक्टर साहब से हम आके बोले कि पेपर, बोला डॉक्टर साहब बोले पार्टी को नहीं दे सकते हैं, पुलिस को दे सकते हैं या तो पॉलिसी वाले को दे सकते हैं। तो फिर ये मेल एडिट दिए था, मेल भी उधर से मेल करवाएं, उसके बाद ये बोले नहीं तुम इधर आओ, जो यहाँ से डिस्चार्ज करके हेल्थ पॉइंट पर भेज दिया, वहाँ से फिर नहीं सके तो बोले भेलोर ले जाओ, भेलोर ले जाके आए तो बोले तुम भेलोर के पेपर लेके आओ तुमको देते हैं। जब भेलोर के पेपर लाए तो बोला दो दिन के बाद देते हैं। अब दो दिन के बाद हो गया, उसके बाद कॉल करते हैं, बोलता है नहीं मिलेगा, तुम बहुत चलाक बनता है अपने आप को, तुमको नहीं देंगे, जो करना है कर लेना, हम नहीं तो तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका कुछ कागज एक डॉक्टर के पास है जिसके कारण आपका हेल्थ पॉलिसी क्लेम नहीं हो पा रहा, यही मामला? हाँ यही मामला है। किस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था आपके बेटे का और इस दरमियान कितना खर्चा आया और फिर वेलोर जाने से पहले की ये बात है? हाँ ये वेलोर जाने से पहले की बात है। कहाँ इलाज चल रहा है? ये ब्रेन स्पैन ट्रामा सेंटर। कौन डॉक्टर है? विजय राज जी के पास आपका कुछ कागज है जो वो देने से मना कर रहे हैं, जिसके कारण आपका पॉलिसी रुका हुआ है, यही मामला? हाँ, यही मामला है। तो आप लोग बात नहीं किए डॉक्टर साहब से? बात किए, हम आए भी, बोले वेलोर का पेपर लेके आओ, वेलोर के पेपर भी इनको दिए, वेलोर का पेपर इनको देखना था, देखना कि वहाँ क्या इलाज हुआ, क्या इलाज हुआ। अच्छा, तो वहाँ हम उनको पेपर भी दिए, बोले तो हम कम दिया है, फिर हम उसको व्हाट्सअप किए पूरा दिए, उसके बाद किए सर देखिए हमको दे दीजिए सर, ऐसा है हम गरीब आदमी तक खर्च कर चुके हैं, पॉलिसी किए, हमको मिलना मिलेगा, बोलता है तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुम जो करना कर ले, तुमको नहीं, बोलता तुम बहुत अपने आपका स्मार्ट बनता है, पता नहीं क्या स्मार्ट बने, हम उनको पैसा जितना था हमको एक रुपया बकाया नहीं रखे हैं, पूरा पेमेंट किए हैं इसको। कितना का पेमेंट था ये? 463,753 रुपये का है। तो ये आप पेमेंट कर दिए जो बाद में आपको क्लेम में मिलता वापस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से? जी। तो अब जो कागज आपके पास नहीं, इसके कारण आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाला मामला फंसा हुआ है? फंसा हुआ है। अच्छा, वही मामला फंसा हुआ है। ये समझ में आया कि कागज क्यों नहीं दे रहे हैं वो? ये तो हमको पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, नहीं पता नहीं। वो बोलते हैं तुमको जो करना है कर लो, हम तुमको दे नहीं सकते। और कितने समय से ये चल रहा है कि वो कागज नहीं दे रहे हैं और आप इधर उधर भटक रहे हैं? वही मान के चलिए 1 जुलाई से वो टाल रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर आ गया और अभी तक आपको कागज नहीं मिला? मिल रहा है, फिर हम बीच में छोड़ दिया, चले गए भेलोर तो छोड़ दिए, उधर से आए फिर वही प्रक्रिया चालू की। अच्छा, तो कभी गए डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कि क्या मामला है? गए, मिल के गए, सामने बात भी किए, बोले ठीक है 2 दिन के बाद दे देते हैं, तुम चले जाओ घर। घर जाके 2 दिन बाद हुआ कॉल किए, तो वही बोलते हैं तुम बहुत अपने आप को स्मार्ट बनता है, तुमको अति नहीं देंगे, जो करना है कर लेना, नहीं तुम्हारा नंबर, तुम बार बार फोन कर रहा है, तुमको नंबर है सो ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था आपके बेटे को, क्या इलाज चल रहा था डॉक्टर विजय के पास? ये ब्रांड में फर्स्ट में इलाज कराए पी चंद्रा के पास, तो बोले कुछ कीड़ा है जमा जमा हुआ, तो बोले दवा से अच्छा हो जाएगा। 17 तारीख को हम करवाए MRI, करवाए ले गए घर, ले गए तो दर्द चालू हो गया, फिर हम राज में एडमिट किए, फिर 3 दिन रुका, फिर बोले ले जाओ घर, फिर लाके दोबारा राज में किए, फिर बोला ले जाओ घर, तो फिर दर्द होने लगा, तो हमको पता चला नहीं एक विजय राज डॉक्टर है, इस तरह इस करके हैं मेन ब्रेन के लिए, इनके पास लाए दिखाएं रिपोर्ट दिखाएं, फिर एडमिट किए,
तो बोले बाद में बोले उस समय नहीं बोले बाद में बोले इसका ब्रांड में टीबी है, तो फिर हम बोले ठीक है दवा चल रहा है। फिर बाद में बोले नहीं इसका पानी है माथा में, तो पाइप डाल दी जाती ऑपरेशन करके, छोटा ऑपरेशन करके पाइप डाले, पाइप से पानी निकाल रहे थे 8-10 दिन के बाद। फिर बोले नहीं ऐसा हो रहा है, फिर एक बार वो ऑपरेशन किए थोड़ा बड़ा और इधर से इधर ऑपरेशन करके कर दिए। बोले ठीक है जितना बोले इतना खर्चा लगे, बोले ठीक है सर हम देंगे पैसा। उसके बाद यहाँ छुट्टी मिल गया, उसके बाद गए घर 8-10 दिन के बाद। फिर बोले सर बुखार आ जा रहा है, मोमबत्ती उल्टी हो रहा है, तो बोले चल लेके आओ। फिर लाए इनके पास, तो बोले हम नहीं सकेंगे, विजय राज के पास लाए, तो बोले दूसरा हॉस्पिटल हम देते हैं, सिर्फ अति डिस्चार्ज करते हैं, वहाँ अच्छा हो जाएगा, तो कुछ अच्छा खासा पैसा खर्चा होगा। सर जो होगा करेंगे, वो हेल्थ पॉइंट में भेज दिए। हेल्थ पॉइंट जाने के बाद फिर वहाँ वैसा ही चलने लगा। उसके बाद बोले आप तुम कहीं ले जाओ, बाहर ले जाओ, बेलोर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आप हमसे नहीं होगा। बोले ठीक है सर ले जाएंगे। 23 तारीख को यहाँ मिलता है, 3 बजे डिस्चार्ज करता है, फिर हम यहाँ से ट्रेन बैठे। 24 तारीख को उसका राइट साइड पावर पैरालिसिस हो गया, ट्रेन में ही हो गया। किसी तरह ले गए भेलोर, फिर इमरजेंसी में घुसे, फिर इलाज करवाए, तो अभी बच्चा मेरा ठीक है। वहीं से आए, फिर इनको आए मिलने के लिए, सर ऐसे ऐसे पेपर है दीजिए हमको। तो बोले नहीं तुमको नहीं दे सकते हैं। गए वहाँ पॉलिसी ऑफिस, बोले जाइए वहाँ पर। हम बोले ठीक है सर अब दीजिए पेपर हमको। बोले तुमको नहीं दे सकते हैं, गार्जियन को नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं पुलिस थाने में, चाहे पॉलिसी वाले देते हैं, मेल पर देते हैं। वो पॉलिसी वाले को भेजे कि नहीं वो कागजात? पॉलिसी वाले मेल भेजे थे हमको पेपर, हाँ डॉक्टर को, तो ये नहीं दिए। बोले 2 दिन के बाद अब तुमको पेपर मिल जाएगा। पर ये 2 दिन करते करते आज कितना दिन हो गया? 2 दिन करते करते आज बहुत दिन हो गया। तो इतना जो पैसा खर्चा हो गया, ये रिकवरी नहीं हुआ है अभी तक जो इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है, मुश्किल हो रहा है चीज़ों को संभालने में, क्योंकि बेटा इतना दिन बीमार रहा, इलाज में भी रहे, काम धंधा भी फर्क पड़ता है इससे, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी आदमी भी नहीं निकाल पा रहे इसके चक्कर में। जितना मतलब पैसा जितना था इन्वेस्ट करके, कुछ कर्जा महाजन भी किए, बेटा इलाज किराया, फिर सोचे हमको 5 लगाया जाएगा तो कुछ हो जाएगा, कर्जा भी टूट जाएगा, इधर भी हो जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। इनका आरोप है कि डॉक्टर ने मनमानी रूप से कुछ कागज अपने पास रख लिया है, जिस कारण काफ़ी लंबे समय से ये परेशान है, इनकी पॉलिसी क्लेम नहीं हो पा रही है और पैसा इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण इनके निजी जीवन में भी काफ़ी परेशानी। हाँ क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यही है कि आखिर जो भी पेशेंट होते हैं या पेशेंट का जो भी गार्जियन होते हैं, ये जो भी रिपोर्ट होता है, चूँकि पेमेंट पेशेंट करता है, उनके गार्जियन करते हैं, तो इनका जो भी रिपोर्ट का अधिकार जो होता है, इनका हक बनता है पेशेंट का, उनका जो भी इनका गार्जियन है, ना कि डॉक्टर का। तो मुझे इस बात को समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर देने से इनकार क्यों कर रहा है। TheFollowUp.in Like, Share and Subscribe www.thefollowup.in